नमस्कार 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 दोस्तों दोस्तों टाटा स्टील में इस बार वुमेन टूर्नामेंट भी हो रहा है और इसीलिए जो हमारा वुमेन इन चेस का एपिसोड है, जो दूसरा एपिसोड जो संडे को आना था, उससे पहले ही आपको बहुत सारे एपिसोड वुमेन इन चेस के देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। कोनेरू हम्पी जी ने कल जो है एना मुजेशुक को हराया। एना की वजह से वो जो फीडे कैंडिडेट्स है वो बाहर हुई, लेकिन उसके बाद ये पहला बार दोनों का आमना सामना था और टाई ब्रेक में ही बाहर हुई थी। यहाँ पर जो है रैपिड में एना को शानदार मुकाबले में पराजित करते हुए हम्पी जी ने जो है अच्छा स्कोर किया। पहले दिन के बाद अगर हम बात करें तो वुमेन्स में नाना दागनेत्जे जो है, जो जॉर्जिया की प्लेयर है, वो कमाल का खेल रही हैं और तीन में से तीन बना करके पहले स्थान पर हैं। पर उनके बाद हम्पी मारिया एना ओशेनिया और हरिका दुनावली दो अंक बना करके संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखते हैं हम्पी जी का मुकाबला। हम्पी जी ब्लैक पीसेस से खेल रही थी इस मुकाबले में। शुरुआत हुई e4 से, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप b5 नाइट g e7 और हम्पी यहाँ पर थोड़ा हट के लाइन खेलती हैं रॉयल लोपेज में। अगर हम देखें तो हमें अधिकतर जो हमने देखा है a6 नाइट f6 d6 ये सब ज़्यादा खेला जाता है, नाइट g7 काफ़ी कम खेला जाता है। नाइट c3 सो नाइट g6 यहाँ पर d4 किया वाइट ने, सो नाउ इंटू d4 नाइट इंटू d4 और यहाँ पर नाइट इंटू d4 एक्सचेंज क्वीन d4 और c6। ओके, तो ब्लैक ने एक्चुअली क्या किया है कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया, कुछ पीसेज जो उनके एक्सचेंज हो गए और अब ब्लैक के पास कोई ज्यादा प्रॉब्लम जो है इस पोजीशन में बचा नहीं है। ओके, बिशप जाता है e2 पे और नाउ क्वीन b6 भी हम्पी एक्सचेंज करने के लिए सामने रखती है। ओके, बिशप e3 खेला यहाँ पर एना ने और वो बोल रहे हैं कि आप हमारे b2 का पॉन मार लीजिए, हमारे पास डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। कोनेरू हम्पी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्वीन इंटू b2 उन्होंने मार दिया। ओके, टॉप लेवल पे सिर्फ 3-4 गेम आपको मिलेंगे और अगर आप बात करें टॉप लेवल पे तो सॉरी आपको एक ही दो गेम मिलेंगे और उसमें से एक नोटेबल गेम है शशिकरण वर्सेस पेचाक का, जो कि ड्रॉ रहा है जून 2022 में। ओके, तो क्वीन इंटू b2 के बाद रुक b1 क्वीन a3। अब सवाल आता है कि कोई अपना पॉन फ्री में क्यों दे रहा है। पॉन फ्री में देने का पर्पस यहाँ पर यह है कि आप देखिए ये रुक ओपन फाइल पे है, ये दोनों माइनर पीसेस, तीनों माइनर पीसेस निकल चुके हैं, क्वीन सेंट्रलाइज है, कैसल की तैयारी है, तो डेवलपमेंट में वाइट बहुत आगे है। ब्लैक को अभी ये बिशप निकालना है, ये पॉन थोड़ा बैकवर्ड है, ये बिशप अभी बाहर नहीं है, कैसल के लिए अभी तैयारी नहीं है, क्वीन थोड़ा आउटसाइड है, तो ब्लैक की ये समस्याएं हैं। तो लेकिन फिर हम्पी जी ने क्वीन इंटू b2 क्यों मारा। क्वीन इंटू b2 का पर्पस अब उनका ये है कि हमने पॉन मार लिया है, हम धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, आप जो अटैक कर सकते हैं करिए, अगर आप अटैक कर पाए तब तो ठीक है, नहीं कर पाए तो हम मैच जीत जाएंगे। और मैच में कुछ ऐसा ही हुआ कि कासल, सो क्वीन d6 हम्पी जी ने फिर से बोला एक्सचेंज करते हैं, एना को मना करना ही पड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप पॉन डाउन में एक्सचेंज करके तो नहीं खेलेंगे। हम्पी जी ने यहाँ पे बिशप निकाल लिया और कैसल की यहाँ पे तैयारी हो गई। ओके, यहाँ पर नाउ f4 आया जो कि नेचुरल मूव भी था कि भाई अटैक तो करना ही पड़ेगा। सो अब हम्पी जी ने यहाँ पे गुड मूव खेला b5। इससे हुआ यह कि b7 से प्रेशर हटा, क्वीन पर अटैक आया, क्वीन b3 पे गया, आपका कैसल भी हो गया और अब बिशप के निकलने के लिए तैयारी भी हो गई। नेक्स्ट मूव था a4, हम्पी जी ने खेला a6 और अब आता है यहाँ पर e5, हम्पी जी ने खेला क्वीन c7 और ये वो मोमेंट था जब एना ने खेला नाइट e4। तो नेचुरल भी, अगर आप अटैक कर रहे हैं अपने पीसेस को, आप इंप्रूव करोगे। अब हम्पी जी ने यहाँ पे जो सॉल्यूशन खोजा वो बहुत अच्छा था। उन्होंने खेला यहाँ पे d5 ed6 bd6 बिशप दे दिया, नाइट d6 क्वीन d6। अब ये वो एक्चुअली में बिल्कुल वो सही मोमेंट था जहाँ पे आप चूक नहीं सकते और यहाँ पर एना जो है वो चूक गई। यहाँ पर एना को खेलना चाहिए था रुक d1 और अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्वीन e1 फॉर एग्जाम्पल ज्यादा बेटर क्वीन c7 फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खेला, तो यहाँ पर अब गुड मूव आएगी f5, नाइट जाएगा पीछे e7, सो f6 ये मैच में भी हुआ लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, नाइट d5 और यहाँ पे अगर ये पोजीशन बनती तो वाइट इवन सेक्रीफाइस मार सकता था रुक d5 क्वीन d5, क्योंकि अभी आप बिशप b7 भी नहीं खेल सकते, क्वीन वहाँ से चेकमेट लगी हुई है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। डबल बिशप के साथ ये बिल्कुल एक प्लस बाजी आ सकती थी। खैर मैच पे यहाँ पर f5 खेला यहाँ पर एना ने और उसके बाद हम्पी जी वापस पोजीशन मजबूत हो गई, नाइट e7 f6 और उसके बाद हम्पी जी ने खेला नाइट d5। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे बिशप f3 खेलना कंपलसरी है। रीजन ये है कि ये जो दो पीस है आपके एक लाइन पे आ रहे हैं, बिशप कभी भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं एक लाइन पे। उन्होंने रुक एना ने खेला रुक बी डी1 और हम्पी जी ने यहाँ पे खेल दिया क्वीन e5। अब यहाँ पे e3 का बिशप जो मर रहा है, अगर वो हटेगा तो पीछे वाला बिशप मर रहा है, तो यहाँ पर फंस गई वो एना। उन्होंने खेला यहाँ पर fg7 तो एक सपोर्ट और बढ़ गया रुक e8।
रुक एफ थ्री आए बट बिशप जी फोर था यहाँ पर, रुक एफ वन यहाँ पर एक्सचेंज तो देना ही पड़ा, बिशप एफ थ्री उसके बाद दूसरा पीस भी जा रहा था, रुक ई सेवन खेल के उन्होंने ये भी बचा लिया एफ सेवन, क्योंकि अगर नाइट हटता तो ये प्रॉब्लम हल्का सा बस था यहाँ पे, और इसके बाद कुछ गेम में बचा नहीं था, बिशप उन्होंने एफ डी थ्री खेलना पड़ा, एक और पीस गया और यहाँ पर बिशप एस सेवन एक और सेक्रीफाइस मारा कि कुछ हो जाए, तो ये पोजीशन आ गई थी कि एक रुक डाउन एक पीस डाउन थी है ना यहाँ पे, बट क्वीन डी थ्री चेक, किंग जी एट, रुक एच एट, रुक एच थ्री, एच सेवन एच एट का थ्रेट है, बट नाइट एफ फाइव के बाद क्वीन की एंट्री जो है उन्होंने बंद कर दी और यहाँ पर रिजाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि अगर वो ये चेक दे भी देते हैं आके यहाँ पर आप देखें कि और आप ये मार भी लेते हैं तो भी आप पीच डाउन हैं और यहाँ पर बैक रैंक का जो प्रॉब्लम है वो जो है, सॉरी मैंने ये खेल दिया, मतलब ये मार भी लेते हैं तो भी जो है यहाँ पर ब्लैक ही जीत रहा है, क्योंकि पीस अप है और राजा की पोजीशन आप देख ही रहे हो, इवन क्वीन एक्सचेंज हो जाएगा इमीडिएटली और फिर पोजीशन जो है वो विनिंग है। तो एक जोरदार मैच कोनेरू हम्पी जी ने जीत दर्ज की और फिलहाल तो दो अंकों पर हैं, और अगर अच्छा खेल जो है वो लगातार चलता रहा तो खिताब जीत सकती हैं, रैपिड टूर्नामेंट का वर्ल्ड रैपिड चैंपियन रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वुमेन इन चेस की जो सीरीज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसी तरह आपको वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलते रहेंगे। हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।